नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज कुछ खास खबर देखते हैं। माली समाज को भी राजकीय भागीदार नहीं मिली तो चुनाव में एलगार। राज्य में माली समाज के मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद माली समाज की राजकीय पटल पर अभी भी पिछड़ा हुआ। माली समाज की भी सत्ता में भागीदारी हो, इसलिए राजकीय भागीदारी के लिए माली समाज के शेगांव में एलगार परिषद का आयोजन 28 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई है। इस एल्गार परिषद में मुख्य मार्गदर्शन के रूप में बाला साहेब अम्बेडकर उपस्थित रहने वाले हैं। यह जानकारी अखिल भारतीय माली महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजेंद्र महाडोले ने भंडारा के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत भुसारी, प्रकाश अटालकर, डॉक्टर राजेश नंदुरकर, जिला परिषद सदस्य सौ रेखा भुसारी, विठलराव नागतोंडे के साथ समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। पार्टी एक्सेप्ट करें, लेकिन कोई भी पार्टी के माध्यम से हमको कोई अभी तक उम्मीदवारी नहीं मिल रही। तो क्या ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि समाज के माध्यम से कुछ लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में समाज के माध्यम से कुछ प्रतिनिधि खड़े करे किया जाए? हाँ, अगर प्रस्तावित पार्टियों ने हमें अगर वो अधिकार नहीं दिया, हमें अगर टिकट नहीं दिया विदर्भ के अंदर में, तो कम से कम विदर्भ के अंदर में तो हम माही समाज के माध्यम से एल्गार करेंगे और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हमारे प्रतिनिधि हर विधानसभा क्षेत्र में खड़े करेंगे या फिर जो पक्ष हमें साथ में लेना चाहता है वो पक्ष के साथ में हम आने वाले दिनों में वैसा समीकरण बनाएंगे कि वो अगर जातीय समीकरण बनता है कुछ पक्ष के साथ में जा कर के, तो वैसा भी हम, और हमारी चाहत यह है कि हमें नहीं बाकी का जो उपेक्षित समाज है उनको भी वो अधिकार और हक मिलना चाहिए लोकसंख्या और मताधिक्य के हिसाब से। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसा मराठा आरक्षण पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर सरकार ने लागू कर दिया और भुजबल साहब उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं कि ओबीसी के मतलब आरक्षण में से ओबीसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये प्रमुख मांग है। लेकिन जो आरक्षण को दिया गया है कहीं ना कहीं ओबीसी के ऊपर अन्याय करने वाला है ऐसा लगता है, जो बाद में कोर्ट में कोई स्टैंड होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज के माध्यम से अपने समाज की क्या भूमिका रही? देखिए कि मराठा को जो आरक्षण दिया गया है वो हमारा कहना है कि उनको ओबीसी प्रवर्ग के अंदर में कोई भी हालत में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमको मिला है ओबीसी को वही तो देश के अंदर पूरा आरक्षण नहीं मिला है ना। हम इस देश में 1931 की जो जनगणना हुई, 1931 के जनगणना में हम देश के अंदर में 52% है उस टाइम में बताया गया, लेकिन आज के तारीख में देश के अंदर में हम 65% ओबीसी है। तो 65% ओबीसी को देश के अंदर में 27% आरक्षण मिलता है, हमको तो पूरा आरक्षण नहीं मिला ना। फिर उनको अगर ओबीसी प्रवर्ग में डालने का तो कोई विषय नहीं रहेगा, डालना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा डाला तो हमारे ओबीसी घटक जो भी हमारे ओबीसी के अंदर आने जाती है, हम सभी तरफ से इसका विरोध करें। मुख्य मांग क्या है? पहली तो मांग हमारी यही है प्रस्तावित पार्टियों को कि हमको आने वाले चुनाव में हर जिले के अंदर में प्रतिनिधित्व लोक प्रतिनिधि करके चुनाव में हमको उम्मीदवारी मिलना चाहिए, नंबर एक। दूसरी डिमांड ये है हमारी कि जातनीय जनगणना जो है ये देश के अंदर में जातनीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातनीय जनगणना 1931 में अंग्रेजों के काल में हुई थी, तब से ओबीसी की जातनीय जनगणना हुई थी। और मैं तो बोलता हूँ ओबीसी की नहीं, हर जाति की जातनीय जनगणना देश के अंदर में होनी चाहिए, नंबर दो की हमारी डिमांड है। नंबर तीन की डिमांड है जो अभी जो मुद्दा आपने उठाया था और मैंने भी उसके अंदर कहा कि ओबीसी प्रवर्ग के अंदर में अभी कोई भी ऐसी जाति को समाविष्ट ना करे जो जाति ऑलरेडी सब अधिकार और हक उनको मिल चुका है, शैक्षणिक और सामाजिक और राजकीय तौर पे जो समाज ऑलरेडी प्रगति पे है, उनको प्रगत हुआ है, ऐसे समाज को इसके अंदर में अधिकार नहीं मिलना चाहिए ओबीसी प्रवर्ग का। तीसरी हमारी जो डिमांड है, जो भिड़ेवाड़ा में जो सावित्रीबाई पुना के अंदर में जो भिड़ेवाड़ा है उसके अंदर सावित्रीबाई फुले की जो पहली जो स्कूल है जो सावित्रीबाई फुले ने पूरे देश के लिए वो खोली थी, और जहाँ से
शिक्षा की गंगा वहाँ से निकली थी और आज उसकी अवस्था ऐसी है वो स्कूल की कि वहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ है, मतलब कचरे का वहाँ पे ढेर बन गया है वो स्कूल वाले तो। आज देश के अंदर में 3000 करोड़ रुपए एक पुतले को लगाया जाता है गुजरात के अंदर में, मतलब 3000 करोड़ रुपए एक पुतला जो उन्होंने देश के अंदर उनकी भी उन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है देश के लिए वो सबसे बड़ा योगदान है। और इसलिए सावित्रीबाई फुले की जो भिड़ेवाड़ा की स्कूल है उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, ये हमारा सबसे बड़ी मांग वहाँ पर रहने वाली है। और बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये भी मांग हमारी उसके अंदर में रहने वाली है। उसके बाद में 13,000 नौकरी का अभी आश्वासन गवर्नमेंट दे रही है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी अड़ंगण उसमें न डालते हुए वो 13,000 नौकरी की जो भर्ती है वो तुरंत की जाए, ताकि अगर वो तुरंत अगर नहीं करते तो फिर हमको और रास्ते में उतरना पड़ेगा, और वो उतरने के लिए अभी तैयार है। हम तो आने वाले दिनों में सरकार हकालो आंदोलन लेंगे अगर 13,000 नौकर भर्ती अगर सरकार नहीं करती है तो। सरकार ने अभी ज़्यादा से ज़्यादा आश्वासन देने का काम बंद करना चाहिए और सही में काम करने का नियोजन सरकार ने करना चाहिए, यह मांग को लेकर के आने वाले दिनों में 28 दिसंबर को एल्गार परिषद का आयोजन किया। सर मुझे बताइए, वंचित नारी समाज के माध्यम से भी शेगांव में अधिवेशन का जो आपका नियोजन है इसके बारे में मेन संकल्पना क्या है? 28 दिसंबर 2018 में शुक्रवार को हमने वंचित माणी राजकीय एल्गार परिषद का आयोजन किया। इसकी कंसेप्ट संकल्पना ये है कि माणी जो समाज है संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में और संपूर्ण विदर्भ के अंदर में माणी समाज की लोकसंख्या और मताधिक्य ये इतना है कि कम से कम एक जिले के अंदर में ऐसे 2 विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर में माणी समाज की 1-2 MLA और विदर्भ के अंदर 2 लोकसभा के अंदर में 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में खासदार बन सकते हैं, लेकिन ये होने के बावजूद भी प्रस्तावित जो पार्टियाँ है प्रस्तावित जो पक्ष है वो जानबूझ के माही समाज को वो हक वो अधिकार नहीं दे पा रहे जो हक और अधिकार हमें चाहिए, क्योंकि माही समाज की जो मताधिक्य है ये मताधिक्य के तौर पे हमें ऐसा लगता है कि माही समाज के कम एक जिले के अंदर 2 आमदार होने चाहिए, विदर्भ के अंदर 2 खासदार होने चाहिए, लेकिन अभी तक संयुक्त महाराष्ट्र जब से बना तब से कुछ साल ऐसे रहे कि जिस साल में कम से कम 25 आमदार माही समाज के महाराष्ट्र के विधानसभा गृह में रहते थे, लेकिन आज के डेट में विदर्भ के अंदर में 1 ही आमदार सभागृह में है। अगर ऐसा अगर रहा तो जो न्याय और जो हक की बात विधानसभा में या लोकसभा में माही समाज के तरफ से जानी चाहिए, जो माही समाज के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार जो हो रहा है वो अन्याय अत्याचार निपटने के लिए वो अन्याय अत्याचार को वो हक और अधिकार हमको मिलने के लिए वो जो आमदार और खासदार जो है वहाँ पे सभागृह में उपस्थित रहना जरूरी है, लेकिन जो प्रस्तावित पार्टियाँ हैं वो हमको वो अधिकार वो हक नहीं दे रहे, इसलिए हम वो लड़ाई लड़ने की एल्गार जो पुकार है हमने शेगांव के अंदर में, इसकी वजह ये है कि हमको अधिकार हक चाहिए। हर पार्टी ने कम से कम जिले के अंदर में 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हमें टिकट देनी चाहिए, हमें उम्मीदवारी देनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी रहो चाहे कांग्रेस रहो चाहे शिवसेना रहो, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो भी पार्टियां हैं प्रस्तावित पार्टियां वो प्रस्तावित पार्टियों के माध्यम से हमको हक और अधिकार चाहिए, यही हमारा उसका संकल्प है। इसका मतलब समाज की संख्या को देखते हुए मतदाता की संख्या को देखते हुए हमें एक कुछ न कुछ प्रतिनिधि मिलना चाहिए। हाँ, समाज को मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए, कोई भी पार्टी आपको एक्सेप्ट करे। हाँ, कोई भी पार्टी एक्सेप्ट करे, लेकिन कोई भी पार्टी के माध्यम से हमको कोई अभी तक उम्मीदवारी नहीं मिल रही। तो क्या ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि समाज के माध्यम से कुछ लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में समाज के माध्यम से कुछ प्रतिनिधि खड़े करे किया जाए? हाँ, अगर प्रस्तावित पार्टियों ने हमें अगर वो अधिकार नहीं दिया, हमें अगर टिकट नहीं दिया विदर्भ के अंदर में, तो कम से कम विदर्भ के अंदर में तो हम माही समाज के माध्यम से एल्गार करेंगे, और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो हम हमारे प्रतिनिधि हर विधानसभा क्षेत्र में खड़े करेंगे, या फिर जो पक्ष हमें साथ में लेना चाहता है वो पक्ष के साथ में हम आने वाले
दिनों में वैसा समीकरण बनाएंगे कि वो अगर जातीय समीकरण बनता है कुछ पक्ष के साथ में जा करके, तो वैसा भी हम, और हमारी चाहत यह है कि हमें नहीं बाकी का जो उपेक्षित समाज है उनको भी वो अधिकार और हक मिलना चाहिए लोकसंख्या और मताधिक्य के हिसाब से। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसा मराठा आरक्षण पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर सरकार ने लागू कर दिया और भुजबल साहब उसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं कि ओबीसी के मतलब आरक्षण में से ओबीसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये प्रमुख मांग है। लेकिन जो आरक्षण को दिया गया है कहीं ना कहीं ओबीसी के ऊपर अन्याय करने वाला है ऐसा लगता है, तो बाद में कोर्ट में कोई स्टैंड होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुजन समाज के माध्यम से अपने समाज की क्या भूमिका रही? देखिए कि मराठा को जो आरक्षण दिया गया वो हमारा कहना है कि उनको ओबीसी प्रवर्ग के अंदर में कोई भी हालत में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमको मिला है ओबीसी को वही तो देश के अंदर पूरा आरक्षण नहीं मिला है ना। हम इस देश में 1931 की जो जनगणना हुई 1931 के जनगणना में हम देश के अंदर में 52% है उस टाइम में बताया गया, लेकिन आज के तारीख में देश के अंदर में हम 65% ओबीसी है। तो 65% ओबीसी को देश के अंदर में 27% आरक्षण मिलता है, हमको तो पूरा आरक्षण नहीं मिला ना। फिर उनको अगर ओबीसी प्रवर्ग में डालने का तो कोई विषय नहीं रहेगा, डालना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा डाला तो हमारे ओबीसी घटक जो भी हमारे ओबीसी के अंदर आनी जाती है हम सभी तरफ से इसका विरोध करें। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।